मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो भी है रिव्यू। और किस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर रिव्यू करने वाली हूँ एक फेशियल ऑयल का। काफ़ी सारे लोग हैं फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं। मैं पहले फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं फेशियल ऑयल यूज़ करने लगी हूँ तब से मुझे अपनी स्किन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, और बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगी है। इसके अलावा ये डार्क स्पॉट्स भी बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके अलावा एंटी एजिंग के लिए भी फेशियल ऑयल जो है वो काफ़ी फाइट करते हैं। तो मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ ऐसे फेशियल ऑयल के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि ऑयली स्किन वाले भी ईजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑयली स्किन वाले हैं वो डर जाते हैं, मेरी भी ऑयली स्किन है, तो मैं भी फेशियल ऑयल यूज़ करने से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती थी कि नहीं, हमारी स्किन तो वैसे ही ऑयली है और अगर हम उसके ऊपर से और ऑयल लगा लेंगे तो फिर हमारे स्किन का क्या होगा। तो ये फेशियल ऑयल जो है ये ऑयली स्किन वाले भी ईजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बात कर रही हूँ रोज़ हिप ऑयल की, और यहाँ जो मैं रोज़ हिप ऑयल कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ हिमानी का। ये हिमानी का रोज़ हिप ऑयल है, ये देख सकते हैं आप, 100% नेचुरल, 100% नेचुरल हिमानी रोज़ हिप ऑयल। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि रोज़ हिप ऑयल से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और फिर मैं दिखाऊंगी कि इसकी पैकेजिंग कैसी है और ये कैसे वर्क करता है। तो रोज़ हिप ऑयल जो है वो आपके स्किन टेक्सचर है उसे बहुत अच्छा करता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे स्किन पर स्कार्स के लिए, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि मुझे डार्क स्पॉट्स का पता है, पिंपल्स का पता है, फाइन लाइंस रिंकल्स का पता है, लेकिन स्कार्स का जो है मुझे नहीं पता, जो फेस पर गढ़े हो जाते हैं मुझे उनका नहीं मालूम। तो अब उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है रोज़ हिप ऑयल। जी हाँ, रोज़ हिप ऑयल जो है अगर आप उसे अपने फेस पर लगाते रहेंगे तो ये जो है उन गढ़ों को भरने में बहुत ज़्यादा जो है आपका साथ देगा। देखिए, मुझे तो गढ़े नहीं है, ना मैंने इसको गढ़ों पर अप्लाई करा है ना देखा है, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया है। जहाँ भी मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर यही था, रिव्यूज़ में भी, और काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़े मैंने, तो उसमें यही था कि हाँ, उनको जो फेस पर गढ़े थे रोज़ हिप ऑयल यूज़ करने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। और गूगल पर भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। इसके बारे में अगर सर्च बार में रोज़ हिप ऑयल डालकर अगर हम सर्च करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें ये बेनिफिट भी वो बता रहे हैं कि जी हाँ, अगर आपके फेस पर गढ़े हैं, स्कार्स हैं, तो उनको भी ये ख़त्म कर देता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं, जिनके फेस पर जो है स्कार्स हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो रोज़ हिप ऑयल यूज़ करें। किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हिमानी का ही यूज़ करें। ये अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया था, और सीरियसली ये बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। इसका एक एसेंशियल ऑयल भी आता है रोज़ हिप का, मैंने वो भी परचेज़ किया था, लेकिन सीरियस बताऊँ तो मुझे उसको यूज़ करने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं उन्हें हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें हमें किसी मॉइस्चराइज़र में या किसी क्रीम में मिलाकर यूज़ करना पड़ता है, डायरेक्टली यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि वो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो है उसे रहने दिया, और फिर मैंने ये रोज़ हिप ऑयल जो है ये मंगवाया था, उसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो और इसके बाद जो मेरे फेस पर ग्लो है वो देखने वाला है, मेरा फेस बहुत ज़बरदस्त ग्लो करने लगा है। उसके अलावा जो मेरी स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा नरिश हो गई है, फील होता है कि हाँ, स्किन टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। अब आप दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, लाइट शैम्पियन कलर कहेंगे इसे, क्योंकि इसमें गोल्डन सिल्वर दोनों शेड आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा है हलाल, और मैन्युफैक्चर बाय हिमानी इंटरनेशनल कराची पाकिस्तान, अंडर लाइसेंस फ्रॉम हिमानी हर्बल LLC लॉन्ग बोर्ड, और ये बाकी सारा ब्रांड अवार्ड जो भी लिखा है इनका। बाकी यहाँ देखें इसकी एक्सपायरी लिखी है, इसकी एक्सपायरी है 2022 तक, मेड इन पाकिस्तान। और हिमानी से तो सभी वाकिफ़ है, वसीम बादामी का ये ब्रांड है, सभी को पता है। और जो हिमानी के काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं, जिसमें से एक ये है रोज़ हिप ऑयल। अंदर से मैं इसकी आपको पैकेजिंग दिखाती हूँ, इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी है, ये देखिए कितनी क्यूटू सी बॉटल है, ये क्यूटू सी छोटू सी, बहुत ही क्यूटू है ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी छोटू सी है ये। और यहाँ भी लिखा है हिमानी,
और यहाँ भी लिखा है हिमानी, हिमानी रोज़ हिप ऑयल, और ये 40 ml की बॉटल है, छोटू सी इसकी बॉटल, इसकी बॉटल बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। अच्छा, इसके साथ जो है ये ड्रॉपर है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये ड्रॉपर है इसका, ये देखिए ड्रॉपर जो है ये भी गिलास का है, देखिए आवाज़ आ रही होगी आप, ये देखिए, ये देखिए, और आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका जो कलर है काफ़ी हद तक जो है ऑलिव ऑयल की तरह से है, और फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी हद तक ऑलिव ऑयल की, बिल्कुल सेम टू सेम ऑलिव ऑयल की तरह तो नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस जो है काफ़ी हद तक ऑलिव ऑयल से मिलती जुलती है इसकी फ्रेग्रेंस, और फ्रेग्रेंस इसकी मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि रोज़ हिप ऑयल की फ्रेग्रेंस होती ही ऐसी, ये नहीं है कि इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस ऐसी है, रोज़ हिप ऑयल जो होता है उसकी फ्रेग्रेंस जो है ऐसी ही होती है, और ये ऐसा ही होता है कलर जो है इसका, जो और कलर जो होता है उसका ऐसे ही होता है, ये देखिए। तो इसको लगाने का तरीका मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको किस तरह से लगाना है, तो चले चलकर देख लेते हैं कि इसको किस तरह से फेस पर अप्लाई करना है। अपना हिमानी रोज़ हिप ऑयल, और ये इस तरह से मैंने 3 ड्रॉप ले लिए इसके, 1, 2 और ये 3, ये देखिए, और इसको हाथों में ऐसे रब किया मैंने, और ये ऐसे। इसको यूज़ करने से आपकी स्किन टाइटन होती है और ग्लो बहुत ज़्यादा करती है। फिशर ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं, तो फिशर ऑयल जो है वो लाजमी इंक्लूड करें अपने स्किन केयर में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्किन बहुत ग्लो करती है इसको यूज़ करने से। नेक को कभी ना भूलें, जो भी चीज़ अप्लाई करें आप फेस पे, नेक पे लाजमी अप्लाई करें, ये देखिए फौरन अब्जॉर्ब हो जाता है ये स्किन के अंदर, देख सकते हैं। अब आप चाहें तो हल्के हल्के हाथों से इसको मसाज कर सकते हैं, बहुत हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से, ये देखिए अब इसको जो है मैं छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए, उसके बाद जो है मैं अपने बाकी के स्टेप्स। तो देखा आपने इसको कितना इजी है फेस पर अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा ड्रॉपर से ना डालें इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वो ऑयल हो जाएगा। हाथ में 3 ड्रॉप आपने ली, जिस तरह से आपने देखा 3 ड्रॉप्स आपने ली, और उसको रब करा, और फिर फेस पर डैप डैप कर लेना है। डैप डैप करने के बाद चाहें तो आप हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉपर से डायरेक्टली जो ऑयल डालते हैं उस तरह से ना डालें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा फेस आपका। इसको अपने स्किन केयर रूटीन में मस्ट कर, उसके बाद आप अपना स्किन टेक्सचर देखिएगा कैसा हो जाएगा। मैं क्या कहूँ, सिर्फ थम्स अप कर सकती हूँ कि रोज़ हिप ऑयल यूज़ करने के बाद जो आपका स्किन टेक्सचर निकल कर आएगा वो देखने वाला होगा। बेनिफिट इसके यही है कि ये भी आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स पर काम करेगा, सबसे बड़ा कि आपके स्कार्स पे काम करेगा, आपके स्किन टेक्सचर को बहुत ज़बरदस्त कर देगा, बहुत इम्प्रूव करेगा। रोज़ हिप ऑयल जो है बहुत ही बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, और फिर वही बात, कोई भी स्किन टाइप वाले इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी विदाउट सेकेंड थॉट इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये लगने के साथ ही जो है बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो जाता है। रोज़ हिप ऑयल वाहिद एक ऐसा ऑयल है कि जो फ़ौरन से ऑब्जॉर्व हो जाता है स्किन के अंदर, ऐसा नहीं होगा आपको कि आपके ऑयल बह रहा है फेस पे से, आपको फील हो रहा है कि ऑयल लगा लिया, ये लगाने के साथ ही जो है आपके स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, और मैंने इसे कहाँ से परचेज़ किया है। तो इनकी अपना जो फेसबुक का पेज है वहाँ से भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये अवेलेबल है। तो मैंने जो है इसे nahid.pk से परचेज़ किया है। अच्छा, इनकी जो वेबसाइट है, जो इनका पेज है, वहाँ पर ये मुझे इसके प्राइस 550 थे, और डिलीवरी चार्जेस मिलाकर जो है मुझे 750 रुपये का पड़ रहा था ये, लेकिन फिर मैंने और जगह सर्च किया तो दराज पर तो खैर हदी हो गई, 1500 रुपये का इसके प्राइस लिखे हुए थे दराज पर। उसके बाद मैंने nahid.pk पे मैंने जब सर्च किया, वहाँ इसके प्राइस थे 550 रुपये, और वह डिलीवरी चार्जेस जो है मुझे ये 600 रुपये का मिला, तो इसलिए मैंने इसको nahid.pk से परचेज़ किया है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हिमानी का ही यूज़ करें, आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का आप रोज़ हिप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि रोज़ हिप ऑयल होना चाहिए फेशियल ऑयल में, क्योंकि ऑयली स्किन पर भी जो है हार्मफुल नहीं होता है, ऑयली स्किन पर भी सूट करता है। रोज़ हिप ऑयल एक ऐसा है कि जो ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू हिमानी रोज़ हिप ऑयल के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे
साथ में बेल आइकन है, चिंग चिंग चिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।